गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्यमरण प्रयोग में। मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, डिफरेंट क्लासेस ऑफ मोटर ड्यूटी साइकिल। आपने अक्सर मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर्स का नेम प्लेट देखा होगा, उसमें किलोवाट, मैक्सिमम एम्पियर, वो थ्री फेज है या सिंगल फेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका क्या है, स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, अगर वो थ्री फेज है तो, ये सब सारा कुछ मेंशन होता है। बट एक पार्टिकुलर चीज मेंशन होता है उसमें, उसका क्या ये है, आपका ड्यूटी साइकिल है ये, जैसे इसमें S1 लिखा हुआ है। तो बेसिकली IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इन्होंने 8 क्लासिफिकेशन मोटर्स का दिया है। कैसे? ये इंश्योर करने के लिए कि मोटर जिस एप्लीकेशन के लिए लग रहा है वो एप्लीकेशन को वो पूर्ति कर पा रहा है क्या। ओके, अब ड्यूटी साइकिल बेसिकली जो S1 से S8 तक डिसाइड हुआ है वो क्या, जो टाइपिकल ऑपरेशन है मोटर का, उसके फ्रीक्वेंसी और वो कितने देर तक चल रहा है, उसका ड्यूरेशन वो डिसाइड करता है। ये हो गया ड्यूरेशन, एंड ये जिस भी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वो, अगर वो VFD वगैरह से चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी नॉट ओनली 50 Hz होता है, उससे ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। अक्सर आप जैसे क्रेन्स वगैरह में देखे होंगे, ऑफ मैक्सिमम टॉर्क विद स्लोएस्ट स्पीड जो होता है उस पे चलाना होता है, तो उस जगह पे फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू चेंजेस करना होता है। अब इस आधार पे IEC, जो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, उन्होंने जो एक क्लासिफिकेशन किया है ड्यूटी साइकिल के मोटर का, उसमें क्या क्या चीज मेन है, जिसमें कंटिन्यूअस, दूसरा है शॉर्ट टर्म और पीरियोडिक साइकिल है। इसमें जो बेसिकली मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी अटैच करके रखा है, मोटर में इंक्लूडिंग क्या होता है, अगर मोटर कोई हम इंस्टॉल किए हैं तो उसमें स्टार्टिंग होगा, मोटर स्टार्टिंग, उसके बाद रनिंग होगा, लोड रन हो रहा है उसमें ब्रेकिंग हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, अगर वो रेस्ट हो रहा है तो रेस्ट हो रहा है क्या, ये सारे 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, ये 5 साइकिल होता है। इस पांचों साइकिल को रिव्यू करके हम डिटरमाइन करते हैं मोटर अगर रन कर रहा है तो रन करने से उसका मोटर के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मोटर टेम्परेचर, मोटर टेम्परेचर, अगर मोटर रन हो रहा है तो मोटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है या नहीं, राइज हो रहा है तो एम्बियंट टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है या जिस भी वातावरण में ये मोटर लगा हुआ है उससे कितना डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है एम्बियंट से। एम्बियंट बेसिकली रूम टेम्परेचर हम 28 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, बट अगर ये इंडस्ट्रियल इलाके में है, फर्नेस वगैरह के बगल में है या उसके ऊपर क्रेन है वो सब जगह में है, तो बेसिकली ये 41, 42 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट हम मान के चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे जो S1, S2, S3, S4 ऐसा करके जो बांटा गया, बेसिकली मैं चार मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ S1 से लेकर S4 में, मोस्ट ऑफ उसके बाद सिमिलर ही है, सिर्फ टाइमिंग चेंज होता है एंड उसका जो अप्रोच टेम्परेचर है वो एम्बियंट तक पहुँचता है क्या नहीं बंद होने के बाद, एंड वो जब चला रहे तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज क्या होता है, वो सब के बारे में डिस्कशन है। चलिए तो फर्स्ट वाला हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस ड्यूटी साइकिल। कंटिन्यूअस ड्यूटी साइकिल में जो मोटर रन होता है, मोटर रन होता है एक कांस्टेंट लोड के साथ, कांस्टेंट लोड, और वो लोड इनफ होता है इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचाने के लिए। जैसे कि आप घर में फैन एक ऑन कर देते हो एंड फैन वो गर्मी का दिन है तो 2400 घंटा चलता ही रहता है, तो इसमें क्या होता है, मोटर हीट भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनके लिमिट से ज्यादा वो हीट नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, थर्मल कैपेबिलिटी इसका हायर होता है। और ये यहाँ पे जो है मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर लेता है, इसका इंसुलेशन इस तरीके से अच्छे से बनाया हुआ होता है कि वो जो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन किया उससे उसके इंसुलेशन को फेल्योर नहीं होता है। इसका सरफेस जो मोटर होता है, मोटर का सरफेस इतना बड़ा बनाया जाता है कि हीट डिसिपेशन इजिली हो जाए। ये सब जो फिन्स आपको मोटर्स में दिख रहे हैं, ये फ्रेम इतने बड़े आपको दिख रहे हैं, इससे हीट डिसिपेशन आसानी से हो जाता है, तो लार्जर कूलिंग सरफेस एरिया होता है, इफिशियंट हीट डिसिपेशन इससे हो पाता है। इसके जो बड़े मोटर्स, मैं एग्जांपल ऐसे सीलिंग फैन का कंटिन्यूस लिया, लेकिन आप इंडस्ट्री में जो कन्वेयर्स होते हैं, जैसे कूल हैंडलिंग प्लांट में जैसे जो कन्वेयर्स होते हैं ऐसे, जिसमें कूल या कूल के डिब्बे जाते हैं, इसमें जो रोलर ऐसे डमरू के शेप में होता है ऐसे,
इसको जो रोटेट कराता है वो मोटर कंटिन्यू घूमता रहता है, और ये इस पे रोलर ऐसा चलता ही रहता है चलता ही रहता है। तो उस जगह पे ये जो इसके बेयरिंग बने हुए होते हैं, ये इतने शानदार बने हुए होते हैं कि इनका लाइफ ज्यादा से ज्यादा हो और कंटिन्यूस रोटेशन को हैंडल कर पाए। एंड इसका जो रेटेड मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके बराबर भी चलाते हैं तो इसका क्या होता है कि फेल्योर इस मोटर का नहीं होता है। अब ये S1 क्लास का मैंने ये डिस्कस कर दिया, अब हम बात करेंगे S2 क्लास के मोटर को। S2 क्लास के मोटर को हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम, SHORT, शॉर्ट टाइम मोटर। इसमें क्या होता है कि लोड एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जो एम्बियंट से टेम्परेचर टी मैक्सिमम अटेन कर लेता है, एंड उसके बाद वो ऑफ ही रहता है। वो ऑफ होने के बाद वापस से ये टी एम्बियंट अटेन कर लेता है, जो भी रूम टेम्परेचर पे आपका ये डिवाइस रखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग साइकिल इसमें S2 क्लास में क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल है, शॉर्ट टाइम के लिए है। सेम सिमिलर S1 के तरह ही इसका ऑपरेशन होता है, कांस्टेंट लोड के साथ इसका होता है, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है, कांस्टेंट लोड इसमें रहता है। और जैसे ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम यानी मैक्सिमम थर्मल टेम्परेचर पे जैसे पहुंचता है उसके पहले ही इसको शट ऑफ कर दिया जाता है। ओके, और इसका जो रेटिंग्स आपको मिलेगा, जैसे इसमें आपको S1 मिला, S2 क्लास के मोटर कैसे होते हैं, जैसे इसमें S2 लिखा रहेगा उसके बाद 30 मिनट्स लिखा रहेगा, इस टाइप से S2 क्लास लिखा रहेगा, 60 मिनट्स लिखा रहेगा। तो S2 रहेगा विद एक्सटेंशन टाइम, मतलब मैक्सिमम जो ये ड्यूरेशन है आप उसको कितना चला सकते हैं वो टाइमिंग लिखा रहता है S2 क्लास के मोटर को। नाउ अब हम बात करते हैं S3 to S8 क्लास, ये सिमिलर होता है। इसमें क्या होता है कि साइकिल जो है आपका यहाँ पे जैसे आपको अब दिख रहा है रेस्ट, ये है रन। तो इसमें रेस्ट और रन या ओनली रनिंग इस टाइप के होते हैं, इंक्लूड साइकिल विथ और विदाउट रेस्ट। इसमें क्या क्या होगा, आपका S3 क्लास में, S3 to S8 में आपका मोटर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होगा एंड फिर चेंजिंग स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी हम वेरी करेंगे, तो इसका मोटर का स्पीड भी वेरी करेगा। अब इसमें जो मैं आपको ये ग्राफ दिखाया, इसमें लोड कॉन्स्टेंट लोड है, दूसरा बात इसमें रनिंग भी हो रहा है, ब्रेकिंग स्टॉपिंग भी हो रहा है, रनिंग भी स्टॉपिंग, बट इसमें किसी किसी में रनिंग है तो रनिंग ही रहता है। रनिंग में ही क्या करते हैं, जैसे ये मोटर का शाफ्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो विदाउट सप्लाई टर्निंग ऑफ हम इसके शाफ्ट में हॉइस्ट ब्रेकिंग होता है, जैसे आप क्रैंक्स वगैरह में देखे होंगे थ्रस्टर ब्रेकिंग, उसमें तो हाइड्रोलिक से ऐसे ब्रेक होता है। ये जैसे इसका फ्लाईव्हील है तो फ्लाईव्हील में ही ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट होता है, और इसमें जैसे ट्रेन में ब्रेक शू लगा हुआ रहता है वैसे ब्रेक शू लगा होता है। मोटर में पावर है ही, बट फिर भी हम इसका मैकेनिज्म ऐसा थ्रेडेड बोल्ट नट से रहता है कि इधर हम जैसे खींचे तो ये फ्लाईव्हील पकड़ा गया मोटर का शाफ्ट, रुक गया तो स्टार्ट हुआ, मोटर का पावर बिना ऑफ किए हम उसको ब्रेक लगा दिए, फिर वापस हम उसको एक्सेलरेट किए वापस से ऑन करके। तो इसमें ये जो है आपका रेस्ट भी कर रहा है, किसी मोटर में रेस्ट नहीं भी होता है। तो इसमें आप एक चीज देखो, ये एम्बियंट है, ये एम्बियंट टेम्परेचर है, तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम में ये टी एम्बियंट वापस से नहीं पहुंचा है, तो मोटर इज नॉट अलाउड टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, और इसका लोड डिमांड जो है अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इसमें जैसे रन रेस्ट बताया तो ये कहीं ज्यादा है, कहीं पे ये दूसरा वाला, इसमें अनप्रिडिक्टेबल लोड भी होगा S3 to S8 क्लास में। ये जैसे पंचिंग मशीन, आप कोई प्रेस मशीन जो वॉशर वगैरह कट करने वाला जो होता है, या फिर कोई सीट बड़ा सा है, सीट में से ऐसे करके अंदर का ये मटेरियल निकाला जा रहा है, तो प्रेस मशीन में जो साव है, कभी उसमें एक पतला हॉलो पाइप भी कट कर रहे हैं, कभी एक सॉलिड पाइप, हम सॉलिड रॉड कट कर रहे हैं, तो वेरिएबल लोड है, तो वो सब टाइप में S3 to S8 क्लास का हम ड्यूटी साइकिल वाला मोटर लगाते हैं, और पीरियोडिक ऑपरेशन उसमें होता है तो उसको सस्टेन करने जैसा होना चाहिए। और ये हीटिंग होके हॉल्ट हो गया, स्टालिंग हो गया, उस टाइप का नहीं होना मांगता है S3 to S8 क्लास वाले मोटर में। अभी इसी S3 to S8, तो S3 to S8 में जैसे मैंने बताया कि एम्बियंट टेम्परेचर वापस रीच नहीं करता है, ओके, और
S3 में जो परसेंटेज होता है अंडर लोड वो करके एक्सटेंशन, जैसे इसमें आप S2 क्लास में टाइम पीरियड ऑफ रनिंग होता है, S3 में परसेंटेज ऑफ लोडिंग करके ये रहता है। जैसे S3 60%, यानी S3 80%, मतलब जो जैसे 1 HP का मोटर है तो आप इसको 1 HP कंटिन्यू नहीं चला सकते। S3 को 60% लोड, यानी 1 HP का जो 0.6 HP आप देके इसको चला सकते हैं। फूड और बेवरेज प्लांट में, प्लास्टिक मशीनरी में, प्रोसेसिंग यूनिट में, ऐसे सब जगह में ये S3 क्लास के मोटर्स लगते हैं। अब हम बात करेंगे तो है S7 क्लास के मोटर को। S7 क्लास के मोटर को हम परपिचुअल ऑपरेशन विद इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, इस क्लास को मोटर को हम बोलते हैं। इसमें लोडिंग भी होता है, ब्रेकिंग भी होता है, एंड एम्बियंट टेम्परेचर से ये इसका टेम्परेचर हमेशा ऊपर रहता है वाइल ऑपरेशन है, रेस्ट टाइम। इसमें फोर्स कूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है, फोर्स कूलिंग में अलग से शाफ्ट में ही फैन लगे हुए रहते हैं, एंड वो इसके जो कास्केट सिस्टम है जिसमें कि स्टेशनरी कॉइल है, ये सब रोटर बेरिंग वेरिंग है, उसको कूल करने का काम करता है। बेरिंग इसमें जो खास करती है क्योंकि ये एम्बियंट टेम्परेचर से हमेशा उसका टेम्परेचर ऊपर ही रहता है, एंड इसमें ब्रेकिंग भी होता है, लोडिंग भी होता है, ये दोनों चीज होता है, तो इसके बेरिंग को ज्यादा झटका मिलता है। इसके लिए इसके बेरिंग का अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि अलग से इसमें बेरिंग इक्विपमेंट, एडिशनल लुब्रिकेशन, इसमें अलग से ऑयल भर के ही रखते हैं कि ऑयल जैसे ही हीट होकर बर्न होगा सूखा वापस से इसमें फिलअप हो जाए। इसका सीलिंग फीचर जो ग्रीस वगैरह है वो वापस से पिघल के गिरे नहीं, इसका सीलिंग फीचर ऐसा होता है कि ये इंटरमिटेंट ऑपरेशन जो हो रहा है इसमें आना लोड देना, नॉर्मल लोड देना, लोड से अबव लोड देना, एक्चुअल लोड से फिर ब्रेकिंग कराना, ये झटके उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम इसमें पोस्ट कूलिंग भी देते हैं एंड सेपरेट बेरिंग का ऑयलिंग के लिए हम ग्रीस कप वगैरह भी रहता है, एंड सीलिंग फीचर होता है ताकि इसका ओवर हीट होके लुब्रिकेशन इसका पिघले नहीं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये वीडियो किसी के काम का है तो उन्हें आप शेयर भी कीजिए। गुड बाय।